अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो सब्जेक्ट है सीएसएस, कंपलसरी सब्जेक्ट में सीएस इस्लामिक स्टडीज़ 2021 में क्वेश्चन नंबर 3, ये मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 2021 का ये पेपर है। 3, इस्लाम प्रोवाइड्स बेटर राइट्स टू मेन एंड वुमेन देन ऑल अदर रिलीजन्स, एक्सप्लोर विद आर्गूमेंट्स। उर्दू में भी देख रहे, इस्लाम मर्दों खवातीन को तमाम मजाहब से बेहतर हकूक मुहैया करता है, दलाइल से साबित करें। तो सबसे पहली और जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन के में जो पूछा गया, इजीली आप कंफ्यूज हो सकते हैं जो एस्पायरेंट्स हैं वो, इसलिए कि क्वेश्चन में पूछा गया कि इस्लाम मर्दों खवातीन को तमाम मजाहब से बेहतर हकूक देता है, दलाइल से साबित करें। तो सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप ये, आपको मालूम हो कि मर्दों खवातीन के इस्लाम को में बेसिक क्या हकूक हैं, और इसके अलावा जो दूसरे तमाम मजाहब हैं उनमें क्या हकूक हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आपको लाजमी तौर पर पता होना चाहिए कि जो मर्दों खवातीन के जो हकूक होते हैं वो भी बेसिकली ह्यूमन राइट्स होते हैं। इस्लाम इंसानी हकूक, इन्हीं को तो कहा जाता है मर्द, इंसान, इंसानों में सिर्फ और सिर्फ मर्दों औरत ही आते हैं, ठीक हो गए। इनको कहा जाता है ह्यूमन राइट्स, और इसलिए आपको इसका आंसर इस तरह करना है, ह्यूमन राइट्स का बेसिकली आपने इसको आंसर करना है। मर्दों खवातीन के हकूक को इंसानी हकूक भी कहा जाता है, लेकिन औरतों के हकूक एक अलग मजमून है। अगर आपसे पूछें कि वुमेन राइट्स के बारे में आप लिखें या वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, औरतों के हकूक, तो वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ हमारा मजमून सिर्फ इंसानी हकूक है। इसको साबित करने के सिर्फ दो तरीके हैं, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने एक ये चीज़ पूछी, इस्लाम मर्दों खवातीन को तमाम मजहब से बेहतर हकूक देता है, आपने इसको साबित करना है। तो आपने साबित करने के दो तरीके हैं हमारे पास, मेरे मुताबिक मैंने इसको इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश। अगर आपको कोई बेहतर तरीका इसका मालूम हो या आपके जेहन में कोई आइडिया है कि आप काइंडली इसको बेटर तरीके से इस तरह एड्रेस करते हैं, देन काइंडली मुझे लाजमी आप कमेंट में भी मेरे साथ शेयर करें। अच्छा, तो मेरे मुताबिक इनको सिर्फ और सिर्फ दो तरीकों से आप साबित कर सकते। पहला ये है इस्लाम और बाकी तमाम मजहब की तालीमात का तकाबल, कि जिसमें आप इस्लाम की जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं या तमाम की तमाम जो इंफॉर्मेशन वो आपके पास होनी चाहिए, उसके अलावा तमाम जो अदर रिलीजन्स हैं उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आपके पास इतना ज़्यादा डाटा हो। तो इसको आसान करने का एक दूसरा तरीका भी, इंसानी हकूक की तरक्की की बुनियाद कब और कैसे पड़ी, तो आप इसको इस तरह लेकर चल सकते हैं कि बेसिक जो ह्यूमन राइट्स मर्दों खवातीन के हकूक जो हैं तमाम मजाहब में या कहीं भी, आप उसको बेसिकली जिस तरह मैथमेटिक्स में किसी चीज को एक एक्स डिफाइन किया जाता है, इसको लेट किया जाता है, इसी तरह इसको भी लेट करना पड़ेगा आपको। इंसानी हकूक बेसिकली आपको पता है मगरबी ममालिक, अमेरिका वगैरह पे इधर ही ज्यादा ये चीजें मशहूर हैं, हमारे इधर हम तरक्की पजीर ममालिक में हैं। तो इंसानी हकूक को क्या कहा जाता है, बेसिकली ये जो इक्वालिटी के बुनियाद पर जो होते हैं, हर किसी को उसका हक दिया जाए बगैर उसके रंग मजहब नस्ल की बुनियाद के फर्क और तमीज के बगैर, यानी कि हर बंदा दूसरे बंदे के इक्वल है, इसको कहा जाता है इक्वल राइट्स, उसी को कहा जाता है ह्यूमन राइट्स। और इंसानों के साथ हमदर्दाना रवैया किया जाए, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम किया जाए और तमाम को इक्वल कहा जाए, किसी को किसी दूसरे के ऊपर प्रायोरिटी ना हो। मगरबी ममालिक और अमेरिका में इंसानी हकूक भी इस्लाम की वजह से है। अच्छा, इस चीज़ को हम अगर डिफाइन कर देंगे तो इसी में इसका तमाम का तमाम आंसर आ जाएगा। जो मगरबी ममालिक हैं, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये तमाम कंट्रीज जो भी आजकल ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस हैं, बने हुए हैं, तो ये कहते हैं कि भाई ये हमारे खुद साख्ता बनाए हुए हैं, तो हम इसको डिफाइन करेंगे नहीं, ये तमाम के तमाम राइट्स आपने इस्लाम से उधार लिए हैं, या इस्लाम से आपने कॉपी किया है इन राइट्स को, तो इनको मैं साबित करूंगा। आप काइंडली ये वीडियो देखते रहें। इस्लाम मर्दों खवातीन का तमाम मजाहब से बेहतर हकूक देता है, तो इसके लिए आपको ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए, बल्कि ये तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ये इसके लिए आप ये देखें कि जो इस्लाम के अलावा जो अदर रिलीजन्स थे वो कहाँ पर थे, जो जो इस्लाम है उससे पहले वहाँ पर थे, क्रिश्चियनिटी थी,
जो ज्यू रिलीजन है, यहूदी मजहब था, वो भी वहां पर था। तो क्या वहां पर किसी को कोई राइट्स नहीं थे, ना कोई औरतों को राइट्स थे, ना गुलामों को के हकूक थे, तो ना ही कोई औरतों के हकूक थे, ना ही उनके कोई बुनियादी हकूक थे। ठीक हो गया। लेकिन इस्लाम आया तो इनके इनको बुनियादी हकूक मिले, औरतों को जायदाद में हक मिला, जान का तहफ़ माल का, अकल का, प्रॉपर्टी का, तो इस तरह के राइट्स इस्लाम ने दिए हैं। तो इनको मैं डिफाइन इस तरह करता हूँ, जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने जो बुनियादी हकूक दिए तो उनके मुताबिक जो हज़रत इमाम गजाली जो थे, बहुत बड़े, ये इनको शेखुल इस्लाम भी कहा जाता है, ये बहुत मशहूर ये फलासफर हैं इस्लामिक, बहुत बड़े आलिम हैं, स्कॉलर हैं इमाम गजाली। उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस की थी, उनको उन्होंने कहा मकासिद शरिया। ठीक है, एक वर्ड है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मकासद शरिया। ये लाजमी आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, अगर उसके अलावा आप किसी और सब्जेक्ट में भी CSS के ह्यूमन राइट्स के मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप इसको लाजमी, इस टर्म को लाजमी यूज़ कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मकासद शरिया। ये मैं आपके साथ इधर शेयर कर दिखाता हूँ, मकासद शरिया, ये देखें मकासद शरिया, ये मैंने गूगल विकिपीडिया पर आपके साथ दिखा रहा हूँ, मकासिद, मकासिद शरिया और ऑब्जेक्टिव ऑफ शरिया के, यानी कि शरीयत के जो मकासिद हैं वो क्या हैं। इज एन इस्लामिक लीगल डॉक्ट्राइन टुगेदर विद अनदर रिलेटेड क्लासिकल डॉक्ट्राइन मसला वेलफेयर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ये देखें लोगों की फलाह बहबूद। इट हैज़ कम टू प्ले एन इंक्रीजिंगली प्रोमिनेंट रोल इन मॉडर्न टाइम। द नोशन ऑफ मकासिद वॉज फर्स्ट क्लियरली आर्टिकुलेटेड बाई अल गजाली इन, जिनकी वफात डेट ऑफ डेथ है 1111, हु आर्ग्यूड दैट मसला वाज गॉड जनरल पर्पस इन रिवीलिंग द डिवाइन लॉ। चलें अब इसको मजीद पहले इसको देख लें। अच्छा, मकासिद शरिया क्या है? ये जो मगरिब है या अमेरिका है, इंग्लिश कंट्रीज जो हैं, वहां पर आपको पता है कि क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा तादाद में थी और है अभी, तो बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर जो ह्यूमन राइट्स के मुताबिक जो भी आपके हकूक होंगे तो उनके मजाहब के मुताबिक होंगे, क्योंकि उनकी मजाहब यहूदी मजहब हो गया, ईसाई मजहब हो गया, उनकी जो किताबें थी उसमें रद्दोबदल बहुत ज्यादा हो गई थी, या वो अपनी असल हालत में भी नहीं रही थी, तो इस तरह उनके ना तो कोई ह्यूमन राइट्स उनमें से निकाल सकते थे कि भाई ये वाले ह्यूमन राइट्स इन मजाहब ने दिए हैं। अगर दिए भी थे तो इस्लाम ने उनको मजीद निखार कर पेश किया, मजीद उसमें बेहतरी लाई। तो हजरत इमाम गजाली जो थे, उन्होंने कुरान पाक से ये वाले जो ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं, जो इंसानी हकूक हैं, वो उनको निकाला कुरान पाक की आयात में से। तो वो कौन कौन सी हैं वो इधर इन्होंने, मैं आपके साथ दिखाता हूँ। अच्छा, मैं शेयर, ये हैं बेसिकली वो राइट्स। हु आर्ग्यूड दैट मसला वाज गॉड जनरल पर्पस इन रिवीलिंग द डिवाइन लॉ एंड दैट इट्स स्पेसिफिक एम वाज प्रिजर्वेशन ऑफ फाइव असेंशियल ऑफ ह्यूमन वेल बीइंग, इनको ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं। अच्छा, वो कौन कौन से राइट हैं? रिलीजन, द राइट और प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, लाइफ, इंटेलेक्ट, लिनेज एंड प्रॉपर्टी। तो इनको मैं आपके साथ उर्दू में करता हूँ, यानी कि हर बंदे को आज़ादी है कि वो जो मर्जी मजहब रख सकता है, उसके उसको उसके मजहब का तहफ़ किया जाएगा, ये वाला उसको हक दिया जाएगा। इसको कुरान पाक से उन्होंने उनकी आयत से इसको डिफाइन किया। अगर आप मजीद इसको सर्च करना चाहते हो तो आप गूगल पर मजीद कुरानी आयत के रेफरेंस भी देख सकते हैं। उसके बाद द राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जिंदा रहने का हक, जिंदगी का हक, ठीक है, लाइफ। उसके बाद इंटेलेक्ट क्या होती है? अकल, यानी हर बंदे को आज़ादी है और तहफ़ दिया जाएगा कि वो अपनी अकल शऊर के मुताबिक वो अल्लाह ताला की जो मज़ाहिर है उनका मुशाहदा कर सकता है, उनके ऊपर गौर व फिक्र कर सकता है, यानी कि रिसर्च कर सकता है हर किस्म के ऊपर, उसको तालीम की, अकल की, शऊर की इजाज़त है। उसके अलावा लिनेज आ गया, लिनेज हर बंदे के लिए एक राइट है कि वो एक अच्छे तरीके से उसकी पैदाइश हो, मुझे इसको डिस्क्राइब नहीं करना आ रहा,
बेसिकली ये है कि ये हराम कारी या जो जिना वगैरह को बिल्कुल पाबंदी लगाई गई, यानी कोई अगर कोई इंसान पैदा हो तो उसको बाकायदा मालूम हो कि ये शादीशुदा जोड़ा मेरे माँ बाप हैं, ठीक हो गया, इसको कहा जाता है लिनिज। उसके अलावा एक और राइट है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि आपको जायदाद का तहफ्फुज़ दिया जाएगा, ठीक है। ये पांच बेसिक असेंशियल ह्यूमन राइट्स हैं, रिलीजन का यानी कि मजहब की आज़ादी, जिंदगी की आज़ादी का तहफ्फुज़, मजहब का तहफ्फुज़, इंटेलेक्ट आपकी अक्ल का तहफ्फुज़, आपको आज़ादी दी जाएगी इसके मुतालिक। आपको लिनेज यानी कि आप एक अच्छे रिश्ते के थ्रू, एक दो मेल एंड फीमेल एक किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, यानी कि शादीशुदा जोड़ा हो उसकी थ्रू एक औलाद पैदा हो, तो उसको ये किस्म का एक राइट है। अगर कोई बंदा कोई इलीगल तरीके से अगर किसी के दाश हो जाते तो उन पेरेंट्स को इसके ऊपर पूछताछ होगी, क्योंकि वो जो आगे जो बर्थ होगी जिस पर्सन की, उसकी ज़िंदगी को उसको नेक्स्ट बहुत ज़्यादा जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए एक किस्म का राइट है, और जायदाद के रखने का प्रॉपर का राइट, ठीक हो गया। तो फिर उधर चलते हैं, मकासिद शरिया। हजरत इमाम गजाली, मैंने आपको बताया था 1111 में इनकी डेथ हुई है, ठीक हो गया। यानी कि इन राइट्स को तो पहले ही कुरान पाक में ये पहले ही से थे, मगर इनको बाकायदा जो आर्टिकुलेट की जिन्होंने किया, द नोशन ऑफ मकासिद वाज फर्स्ट क्लियरली आर्टिकुलेटेड बाय इमाम गजाली। इमाम गजाली ने इसको बाकायदा इसकी डेफिनेशन की थी और इसको बाकायदा एक तरतीब लगाए दे दी थी, और इनकी डेथ हुई है 1111 में, यानी कि लाजमी बात है 1100 से 11 से पहले पहले इन्होंने इस चीज़ को डिफाइन किया, ये तो इनकी डेथ डेट है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मुसलमानों की और ईसाइयों की जो सलीबी जंगें जिसे कहा जाता है, क्रूसेड्स जो इंग्लिश में कहा जाता है, ये कब हुई है, इसके अपडेट देखें 1096 में, ठीक है, आप देखते रहें डेट्स। 1096 में सेकेंड क्रूसेड कब हुई, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, सेकंड क्रूसेड भी तकरीबन ये साथ साथ ही हुई है तकरीबन, ये इसकी डेट है, इंटरनेट में शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये देखें, ये स्टार्ट हुई है सॉरी 1147 में, द फर्स्ट द कंट्री हैड बीन फाउंडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट क्रूसेड बाय किंग बल्द्वीन वन ऑफ जेरूसलम 1098, ठीक है। इनकी आपस में जंगें चलती रहीं, ठीक है, ये फर्स्ट क्रूसेड को आप खास तौर पर देखें ना, 1096 में मुसलमानों ईसाइयों की आपस में जंगें चलती रहीं, और जब इनकी जंगें चलती रहीं तो इन्हीं के, मैंने एक इंग्लिश फ़ालासफ़र थे उनकी, मेरे पास अभी वो रेफरेंस इधर नहीं पड़ा हुआ, मैं ना वो भी आपके साथ शेयर कर दे, ये इन्होंने आर्टिकुलेट किया इन राइट्स को, जब ईसाइयों और मुसलमानों की आपस में जंगें, ईसाई बेसिकली वेस्ट में थे, मुस्लिम ईस्ट में थे, मिडल ईस्ट में खास तौर पर, और इनके जंगें किस वजह से हुई, ये बैतुल मकदस की वजह से, जब बैतुल मकदस की वजह से ईसाइयों को उधर से नाइट्स, वो स्पेशल कमांडर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके नाइट्स बहुत ज़्यादा उन पर मेहनत की जाती है, वो वाले लोग जब इधर आकर लड़ाई झगड़ा उनका जंगें हुई तो उस दौरान लाजमी बात है काफ़ी ज़्यादा उनके लोग भी मरे और इधर से भी मुसलमान भी शहीद हुए, और साथ में उनके वो जो नाइट्स वगैरह इधर उनको कैद भी किया गया, जब वो कैद में थे बाद में कोई ना कोई पेमेंट वगैरह कर कुर के या कोई ना कोई शरायत को मनवा कर उनको रिहा भी किया गया, तो जब उनको रिहा किया गया तो अपने कंट्री में वापस गए, तो उन्होंने उधर जाके बताया कि भाई मुसलमानों में तो बादशाह जो है उसको जो आम आम आवाम है उसके बराबर है, अगर वो किसी के साथ हक तलफी करता है तो आम पर्सन बंदा जो मुसलमानों का है उसको अदालत के कटहरे में बुला सकता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बादशाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने कहा कि उधर जो इंसानों को बहुत ज़्यादा हकूक है हमारी निस्बत, तो इसलिए उन्होंने बगावतें शुरू कर दी, तो ये बात उधर पूरे वेस्ट में बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, जब ये नाइट्स वगैरह या इनके कैदी जब इधर से छोड़ कर जाते तो बताते थे कि यानी मुसलमानों का बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी तो एक आम आदमी है, तो उधर इंसानों को बहुत ज़्यादा हकूक है, बहुत ज़्यादा उधर लोगों की रिस्पेक्ट है, उनको ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ है, हर किस्म का उनके राइट्स हैं, मगर हमें नहीं है, तो इसका क्या नतीजा हुआ क्रूसेड्स के बाद में,
आप ये देखें अपडेट, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा बिल हुआ 1215 में, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट क्रुसेड कब हुई, 1096 में। सेकंड क्रुसेड कब हुई, ये हुई थी 1147 में। ये थर्ड क्रुसेड कब, आप इनकी डेट्स को लाज में देखें, मैंने देखी, ये थर्ड क्रुसेड कब हुई, 1189, ये देखें थर्ड क्रुसेड। उसके बाद फोर्थ, ये लास्ट, उसके बाद भी शायद, मगर इतनी ज्यादा उसकी वो पावरफुल नहीं। अच्छा, ये जो फोर्थ क्रुसेड 1202 में, यानी कि 1096 से लेकर 1200, यानी कि 100 से ज्यादा अरसा हो गया, यानी कि कम से कम एक सदी से ज्यादा, ठीक हो गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि यूरोप, आप, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि ये एक दो साल में इतना ज्यादा असर, नहीं, ये 100 साल लग गया। जब मुसलमान और ईसाइयों आपस में जंगो जदल का मामला रहा, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको मिली कि मुसलमानों के माहौल के बारे में, इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, तो ये कैसे रहते हैं, ये पूरा सिस्टम उनके पास के पास उनको भी इंफॉर्मेशन मिली। तो मैग्ना कार्टा क्या है, ये किंग ऑफ इंग्लैंड जो था स्टीफन लैंगटन, इसने एक दस्तावेज पर सिग्नेचर किए थे। तो इसने अपने अवाम को, लोगों को हकूक दिए थे कुछ ना कुछ, ठीक हो। इसको फर्स्ट बिल ऑफ राइट्स भी कहा जाता है, मगर हमारे नजदीक तो जो मिसाके मदीना, वही फर्स्ट बिल ऑफ राइट्स है। मैग्ना कार्टा ये साइन हुआ था 1215 में, ठीक हो गया, जब मुसलमानों से बहुत ज्यादा इन्होंने सीख लिया और इनको अपने हकूक के बारे में मालूम हो चुका था। अच्छा, 1215 के बाद उधर बेसिकली इंसानी हकूक की तरक्की का आगाज हुआ, ये देखिए मैंने लिखा हुआ। मगरबी ममालिक और अमरीका में इंसानी हकूक भी इस्लाम की वजह से हैं, वो मैं आपको भी डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मकासद शरिया इस्लाम से आई, उनको बाकायदा आर्टिकुलेट किया इमाम गजाली ने। उसके बाद सलीबी जंगें हुई, सलीबी जंगों के बाद का असर इतना हुआ कि उन्होंने अपने बादशाह से मैग्ना कार्टा का की दस्तावेज पर सिग्नेचर करवाए, और उसके बादशाह के हक कम कर दिए गए और अवाम को हकूक दे दिए गए कुछ ना कुछ। उसके बाद एक इंग्लिश ब्रिटिश था पर्सन, जॉन लॉक, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो आपको लाजमी मालूम होगा जॉन लॉक क्या था। ये देखिए, जॉन लॉक फादर ऑफ इंग्लिश राइट्स, ठीक हो गया, इसको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, ठीक हो गया। ये देखिए जॉन लॉक क्या था, जॉन लॉक propose that the role of government is to protect its citizens' natural rights. The Bill of Rights was quickly followed by 1689 Mutiny Act, which limited the maintenance of a standing army during peace. अच्छा, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ जॉन लॉक ने को फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता। वो क्यों कहा जाता, कि इन्होंने ह्यूमन राइट्स के ऊपर को पेश किया था। इन्होंने कहा कि जो बेसिक ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इन्होंने बेसिक तीन दिए थे, लेकिन इस्लाम में तो पांच है। लिनिज का भी है कि हर बंदा एक जायज तरीके से उसकी बर्थ हो, और इस्लाम ने अक्ल और शोर का भी तहफ़ दिया साथ में, ठीक हो गया। उन्हीं बेसिकली इस्लाम के जो बेसिक हकूक थे उन्हीं को इन्होंने, उन्हीं में से दिए, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसमें खास तौर पर लिबर्टी का जो है, इन्होंने एक नया ट्रेंड, इस्लाम भी लिबर्टी देता है मगर कुछ लिमिट्स लगाता है। चलिए मैं इधर चलता हूँ। जॉन लॉक, जॉन लॉक ने कब ये पेश किया था, जॉन लॉक है कब का ये पर्सन, जॉन लॉक। मैग्ना कार्टा का बिल हुआ था 1215 में, तो इनकी पैदाइश होती है 1636 में, यानी कि तब से जाकर ब्रिटिश में ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम शुरू हुआ। खास तौर पर मैग्ना कार्टा के बाद तो सिंपल से थोड़े से राइट्स दिए थे, मगर बाद में इन्होंने मजीद की उसके ऊपर तहकीकात की। ये देखिए, इधर भी लिखा फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो इसके बाद क्या हुआ, जब अमेरिका, मैं अब आपको अमेरिका बताते हैं, अमेरिका ने, जब अमेरिका वजूद में आया ब्रिटिश से आज़ाद होने के बाद, जो अमेरिका आज़ाद हुआ, तो उन्होंने जो उनके जो बिल ऑफ राइट्स, उसे कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, ये देखिए द बिल ऑफ राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स बिल ऑफ राइट्स, ये देखिए 1791।
इनमें जो बिल ऑफ राइट्स में तमाम की तमाम वही चीजें जो जॉन लॉक ने उधर यूनाइटेड जो सॉरी ब्रिटिश में दी थी वो इधर आ गई। पहले इस्लाम से आई, इस्लाम की वजह से मैग्ना कार्टा बिल आया, मैग्ना कार्टा बिल के बाद जॉन लॉक ने कुछ ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका ने भी 1781 में बिल ऑफ राइट्स के मुताबिक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक हो। और अब वो मजीद इन्हीं राइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन इन बिल जो राइट्स की बेसिक बुनियाद कहाँ से आई है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अच्छा, औरतों की जायदाद ये देख, वुमेन राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, सॉरी 1848 अच्छा 1848 को दिए गए थे इनको वुमेन्स को राइट्स प्रॉपर्टी में, ठीक हो गया। मगर इस्लाम ने कब दिए? इस्लाम ने तो शुरू दिन से दिए हुए हैं, कुराने पाक की आयात इस चीज की गवाह है, हदीसे मुबारक इस चीज की शाहिद है। उसके बाद मगर भी इंसानी हकूक और इंसानी हकूक में बुनियादी फर्क। अच्छा, इस चीज को मैं सिंपल डिफाइन कर दूं, जो मगरबी भी इंसान जो मगरब में आज इंसानी हकूक बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, और इस्लाम ने जो इंसान को हकूक उनको बेसिकली क्या, अब तो मुसलमानों की इतनी ज्यादा वो पसमानदगी का शिकार हो गए हैं, वो एक अलग टॉपिक है बहुत बड़ा, उसको हम छेड़ना नहीं अभी चाहता। इस्लाम ने तमाम के तमाम राइट्स दिए सिवाय कुछ राइट्स के, ये जो LGBT हैं, लेस्बियन गे बाइसेक्सुअल ट्रांजेक्शन इस तरह के राइट्स, होमोसेक्सुअलिटी के राइट्स जो मगरब में यूरोप में अमेरिका में हैं, इन चीज़ों को इस्लाम कभी भी इनकी इजाज़त नहीं देता, ठीक हो गया। इस्लाम उसके अलावा जो लिबर्टी है, हक के आज़ादी राय की कुछ आज़ादियाँ, इस तरह इस्लाम इन चीज़ों की कतन इजाज़त नहीं, इस्लाम तो चुगली गीबत की भी इजाज़त नहीं देता, इस्लाम कभी भी इन चीज़ों की इजाज़त नहीं कि आप किसी के मजहबी जो सेंटीमेंट्स हैं उनको हर्ट करें, या इस तरह की कोई उनके खाके बनाएं, उनके ऊपर मूवीज बनाएं और उसके अलावा प्रोपेगेंडा करें या उनको तकलीफ दें, इस्लाम इन चीज़ों को बिल्कुल रोकता है। यानी कि इस्लाम असल इंसानी हकूक का मुहाफिज है, ना कि मगरब। मगरब ने हकूक हासिल तो पहले कर लिए मगर बाद में वो मजीद अब तनजली की तरफ बेसिकली जा रहा है, ठीक हो। तो इसलिए आपको इसमें तमाम का तमाम मवाद मिल गया होगा इस हमारी डिस्कशन में। इस्लाम मर्दों खवातीन का तमाम मजहब से बेहतर हकूक देता है, ठीक हो गया। जो इंसानी हकूक हैं वही बेसिकली मर्दों खवातीन के हकूक होते हैं। अगर आपको लगे कि इंसानी हकूक ये नहीं होते तो काइंडली आप मुझे इसके मुतल्लिक कोई मुदल्लल जवाब लाजमी दें ताकि मैं इसको ठीक कर लूँ। अगर जो मगरब में आज अगर ह्यूमन राइट्स हैं भी तो वो ये नहीं कहते कि उन्होंने ये इसको यहूदी मजहब से लिया है या क्रिश्चियन मजहब से लिया है। तो आप अगर आपको ये ऐसा लगे तो आप उनको स्टडी करें, इसको जाकर जो डार्क एजेस हैं, डार्क एज ऑफ यूरोप, मगरब जब यूरोप जब तारीखी दौर में था और इस्लाम उसके उस वक्त गोल्डन पीरियड था, तो वहाँ उनके उन मजहब की तो ना तो किताबें ना उनकी तालीमात अभी तक कायम है, अगर हैं भी तो वो उन्होंने उसके ऊपर काम भी नहीं किया था, अगर थी भी तो इतनी ज़्यादा वो भी वेल डेवलप नहीं हुई थी। इस्लाम जो आखिरी अल्लाह ने मुसलमानों को एक दीन दिया अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, उसमें हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बना संवार कर पेश किया गया, ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद वीडियोस मिलती रहें। सॉरी, मैं एक और चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूं, आपने ये जो मैंने सारे का सारा ये डिफाइन किया इस्लाम मर्दों खवातीन को तमाम मजहब से बेहतर हकूक देता है, तो इसकी इसी चीज़ में डेफिनेशन है। ये मैंने बेसिकली किसी मजहब से इसको डिफाइन इसलिए नहीं किया कि भी आप इसको देख लें, अगर किसी और मजहब में अगर हकूक होते हैं मर्दों खवातीन के इससे बेहतर, तो क्यों ये जो यूरोप है या कोई भी मुआशरा तो वो वहाँ से हकूक ले लेता, मगर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थे सवाए इस्लाम के। इस्लाम का गोल्डन पीरियड इस्लामी जो तालीमात की बुनियाद पर है, अगर इसके अलावा कोई आपको कहीं कहीं नहीं मिलेगा कि किसी कौम ने कोई एम्पायर ही हो
उसने तरक्की की हो किसी मजहब की बुनियाद, अगर की है तो उसने सिर्फ मजहब की बुनियाद पर मुल्क ने डेवलपमेंट की है, मगर वहां पर ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में हुई है। आप जाकर रोमन एम्पायर देख लें, बाइजेंटाइन एम्पायर देख लें, पर्शियन एम्पायर देख लें, मंगोल एम्पायर देख लें, ये चाइनीज एम्पायर देख लें, आपको ये तो मालूम होगा कि उन्होंने इकोनॉमिकली तरक्की की है, हर लिहाज से तरक्की कर ली है, जंगो जदल के हिसाब से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, मगर वहां पर आपको ह्यूमन राइट्स की इक्वालिटी नहीं मिलेगी कि वहां पर ह्यूमन राइट्स के लोगों को इंसानी हकूक भी मिले हों, ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम में मिलेगी। और रियासत मदीना से इस चीज का आगाज हुआ, मगर अफसोस कि हम अपने हुक्मरानों की गलती की वजह से आज इंसानी हकूक में बहुत पीछे रह चुके हैं, जिसकी वजह से इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह हाफिज़।